हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है पिज़्ज़ा बनाना। तो आइए, नॉनस्टिक पैन में हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमने ये एक पिज़्ज़ा बेस लिया है और ये हमने नमक लिया है स्वाद अनुसार, ये चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो और पिज़्ज़ा सॉस ली है ये हमने। ये हमने स्वीट कॉर्न लिए हैं, इनको हमने उबाल लिया है और एक प्याज लिया है, इसको हमने इस प्रकार से कट कर लिया है। एक टमाटर लिया है, इसको हमने इस प्रकार से लंबाई में टुकड़ों में कट कर लिया है। आधा हमने येलो शिमला मिर्च ली है, इसको भी हमने लंबाई टुकड़ों में कट कर लिया है। और आधा हमने ग्रीन शिमला मिर्च ली है, इसको भी हमने लंबे टुकड़ों में काट लिया है। और आधी हमने रेड शिमला मिर्च ली है, इसको भी हमने लंबाई में कट कर लिया है। और एक हमने मशरूम का पीस लिया था, उसका हमने इस प्रकार से टुकड़े कर लिए हैं। तो आइए बनाते हैं हम पिज़्ज़ा। और ये हमने मोजरेला चीज ली है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पिज़्ज़ा बेस लिया है, सबसे पहले मैं इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। इसे मैं अच्छे से फैला लूंगी सॉस को। मैं थोड़ी सी चीज डालूंगी, अब मैं इसमें शिमला मिर्च रखूंगी। अब मैं इसमें टमाटर रखूंगी। मैं ये मशरूम रख रही हूँ इसके अंदर। और अब मैं इस पे स्वीट कॉर्न डालूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक बुरक दूंगी, आप नमक अपने स्वाद अनुसार बुरक लेना इस पे।
अब मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी इस पे। अब ओरिगैनो डालूंगी। अब मैं इस पे फिर से चीज डाल दूंगी। अब मैं इस पर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और डाल दूंगी। ये हमारा बेस तैयार हो गया है। ये मैंने एक सॉस पैन लिया है, मैं पिज्जा सॉस पैन के अंदर बनाऊंगी। इसमें मैं थोड़ा सा घी लगा लूंगी। ये हमारा सॉस पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं ये पिज्जा इसके अंदर रख दूंगी। थोड़ा सा घी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी हल्का सा। और इसे मैं ढक के रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। इसे सिकने दूंगी, मैं स्लो गैस पे ही इसे पकने दूंगी। तो आइए चेक करते हैं, ये हमारा पिज्जा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे निकालूंगी। ये हमारा पिज्जा बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।